नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गाजीपुर शहर क्षेत्र के रौजॉब केंद्र की 33 केवी की केबल भोर में 3 बजे जमानिया मोड़ के पास जल गया है, जिससे शहर के आधे हिस्से की बिजली गुल हो गई है। उपखंड अधिकारी शिवम राय ने बताया है कि 33 केवी रोजा की लाइट 3 बजे भोर में फॉल्ट हो गई थी, जिसमें हम अकेले अपने लाइन मैनों को लेकर पेट्रोलिंग किए, तब जाकर 5 बजे के आसपास जमानिया तिराहे के पास केबल बॉक्स चला हुआ था, जो कि मौके पर मैंने अपने साथियों संग नया केबल बॉक्स लगाने का कार्य चालू कर दिया है। इधर जय बिना हमसे बताए कल की ही वाराणसी अपने आवास चलेगा, जिसमें हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन रोजा उपकेंद्र का जय बिना बताए घर चले जाते हैं, हम कभी भी समय से उपकेंद्र पर उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसमें क्षेत्र के आम उपभोक्ताओं ने जेही के प्रति काफ़ी आक्रोश आए दिन देखने को मिला है। आगे उन्होंने ये भी बताया है कि केबल बॉक्स बदलने की प्रक्रिया चालू हो गई है, जल्द ही सुबह 10 बजे तक सप्लाई चालू कर दी जाएगी। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। पर्चे दे दीजिए। हाँ, पर्चे दे दीजिए। हम शिवम राय, गाजीपुर टाउन में। ये जो लाइट आज फॉल्ट हुई है 3 बजे रात से, क्या मामला है? 3:15 बजे रात को जो है 33 का ब्रेक डाउन हुआ है, वहाँ पे ट्रांसमिशन पता करने पता है कि अर्थ फॉल्ट आया है, तो सुबह थोड़ा सा उजाला होने का इंतजार करते हैं, रात में पता नहीं चल पाता है। सुबह दिखवाया गया, 5:15 बजे फॉल्ट मिल गया, उसी का काम हम लोग करवा रहे हैं। फॉल्ट केबल बक्सा मारा हुआ, उसी का काम चल रहा है। जय साहब जो है ड्यूटी में नहीं है, कहाँ है जय साहब? पता चला हमको, अभी तक बात तो नहीं हुई है, लेकिन पता चला घर चले गए हैं, कहीं छुट्टी वो किसी से नहीं है। जय साहब कहाँ रहते हैं? कहाँ जय साहब का आवाज़ बनारस है, रहने वाले घर के मैं बनारस में हूँ। अभी तक जो है आई नहीं ना। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।